Hello foodies, welcome back to our channel The Siblings Kitchen. Friends, today in this episode we will make a perfect party 7 types of super spongy muffins without eggs that will be so tasty and so delicious aur itni zyada spongy honge ki khane mein aapko maza aa jayega. So see, this is first type of cupcake, that is the Oreo Coca cupcakes. This is dry fruit cupcakes. This is red velvet cupcake. This is cocoa chip cupcake. This is coffee cocoa chip cupcake, sprinkle white cupcake, and last tutti frutti gems cupcake. All of the 7 cupcakes are so yummy and so delicious. जितने ज़्यादा दिखने में ये सुंदर हैं उतने ही ज़्यादा माउथ वाटरिंग और डिलीशियस एंड स्पॉन्जी ये बन के रेडी हुए हैं. तो हम भी इस एपिसोड में देख लेंगे और इन्हें डेकोरेट करना भी देख लेंगे. दे लुक सो ब्यूटिफुल और किसी भी पार्टी, किसी भी किड्स पार्टी में आप इन्हें सर्व कर सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं बनाना. फ्रेंड्स, शुरू करते हैं बनाना हमारे 7 टाइप्स ऑफ कपकेक्स. तो सबसे पहले हम सारे वेट इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं. तो मैंने लिया है 1/4 कप वेजिटेबल ऑयल, नॉर्मल ऑयल जो हम यूज़ लेते हैं वो ही, 1 टीस्पून विनेगर, 1 टीस्पून वनीला एसेंस, 1 सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे. देन वी विल ऐड मिल्क, दैट इज द 1/2 कप मिल्क. ये एकदम रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए फ्रेंड्स. आप अगर इस प्रोसेस से सेम स्टेप फॉलो करके कपकेक्स बनाएंगे तो आपके कपकेक्स बहुत ज़्यादा सुपर स्पॉन्जी बनेंगे. नाउ वी विल मेक दी ड्राई इंग्रेडिएंट्स. मैंने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से छान लिया है, आप भी एक बार इनको छान के लें. तो ये मैंने लिया है 2 कप्स ऑल पर्पज़ फ्लोर मैदा, 2 कप्स पाउडर्ड शुगर, नॉर्मल चीनी को मैंने पीस लिया था. इन सबको आप एक साथ छान लें. 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा एंड 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और चुटकी भर 1/8 जो स्पून है वो मैंने इसमें सॉल्ट डाला है ताकि इससे कभी भी हमारा मीठे से मन भरता नहीं है, इसलिए हमेशा सॉल्ट डाल देते हैं जब भी कोई मीठी चीज़ बनाते हैं, बिस्किट्स, कुकीज़, एनीथिंग. अब इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स में सारे वेट इंग्रेडिएंट्स हम मिक्स कर लेंगे एंड वी विल मेक अ लम फ्री बैटर. इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे. योर बैटर शुड बी लाइक दिस, रिबर लाइक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी. दिस शुड बी फ्लो लाइक अ रिबन. तो सबसे पहले हम बना लेते हैं ड्राई फ्रूट कपकेक. तो सेम बैटर जो हमने रेडी किया है उससे हम 2 टीस्पून इसमें बैटर ले लेंगे. फिर ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, ऑलमंड्स हैं, कैश्यूज हैं, पिस्ताज हैं. इसमें हम थोड़ा सा मैदा मिलाएंगे, 1/2 टीस्पून मैदा मिलाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फिर ये से जो है ऊपर थोड़ा रहते हैं कपकेक्स में, तो ऊपर दिखाई देते हैं, इसकी वजह से हम मैदा इसमें मिक्स करते हैं. तो ये हम इसमें ऐड कर लेंगे एंड देन वी विल मिक्स इट वेल. तो ये हमारा ड्राई फ्रूट वाला कपकेक बेक करने के लिए एकदम रेडी है. सेकेंड हम बना लेंगे स्प्रिंकल वाइट कपकेक्स. सेम मैंने वो लिया, इसमें मैंने वाइट चॉकलेट ली है. तो मैंने चॉकलेट्स के कुछ पीसेस कर लिए थे वो मैंने इसमें ऐड करी है. आप चाहें तो इसमें वाइट मिल्क जो आती है बाज़ार में वो भी ले सकते हैं. इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ये स्प्रिंकल्स है, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं किसी भी शॉप पे, बेकरी शॉप पे, तो वो हम ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून. तो ये हमारे स्प्रिंकल्स बनके रेडी हैं. थर्ड है हमारा ओरियो कोको कपकेक्स. तो ये मैंने सेम बैटर लिया है, उसमें 1 टीस्पून कोको पाउडर ऐड करूँगी एंड कुछ पीसेज ऑफ डार्क चॉकलेट्स, ये हम इसमें मिक्स कर लेंगे. तो ये हमारा ओरियो कपकेक बनके रेडी है बेक करने के लिए. इसके अंदर हम डालेंगे अब थोड़े से ओरियो के जो पीसेस हैं उनको मैंने इस तरीके से चर्न करा है, तो हम इसमें ऐड करेंगे. थोड़ा सा बेक करते वक्त हम ऊपर से और डालेंगे, तो अभी कुछ पीसेस हम इसके अंदर ऐड करेंगे. तो एकदम रेडी है. फिफ्थ हम बना लेंगे रेड वेलवेट कपकेक्स. इसमें मैं ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून कोको पाउडर एंड रेड कलर, रेड फूड कलर होता है, तो इसकी मैं 1/2 टीस्पून रेड फूड कलर ऐड करूँगी. एंड देन वी विल मिक्स इट वेल. और अब हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे कुछ सिल्वर बॉल्स. ये मार्केट में ईजिली बेकरी की शॉप पे अवेलेबल होती है, तो जब हम ये खाते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका, माउथ में आती है हमारे, तो ये हम इसमें ऐड कर लेंगे. तो ये रेड वेलवेट कप एकदम रेडी है इसको बेक करने के लिए. फिर हम बना लेंगे कॉफ़ी कोको चिप्स कपकेक्स. सेम बैटर हम ले लेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे कोको पाउडर 1 टीस्पून, कुछ चोको चिप्स 1 टीस्पून एंड 1 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर.
बहुत ही टेस्टी से कपकेक्स फ्रेंड्स बनके रेडी होते हैं। सिर्फ एक बैटर बनाना है और 7 टाइप्स ऑफ वंडरफुल कपकेक्स विल बी रेडी फॉर यू। अब हम बना लेंगे चोको चिप कपकेक्स। सेम बैटर मैंने लिया है, मैं ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून कोको पाउडर एंड 1 टीस्पून चोको चिप्स। इसको मिक्स कर लेंगे और ये बेक करने के लिए एकदम रेडी है। अब हम बना लेंगे टूटी फ्रूटी जेम्स कपकेक। ये बच्चों को बहुत पसंद आता है, इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून टूटी फ्रूटी। आप कोई कलर का टूटी फ्रूटी ऐड कर सकते हैं और ये जेम्स भी अवेलेबल होती है, तो 1 पैकेट जेम्स का मैं इसमें ऐड करूंगी। थोड़ी सी मैं इसमें रख लूंगी, मैं ऊपर से कपकेक्स के ऊपर भी लगाऊंगी जब हम बेक करेंगे तब। तो ये बेक करने के लिए एकदम रेडी है। तो अब मैंने ये बेकिंग ट्रे ली है, आप चाहें तो फ्रेंड्स इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं, नीचे इस तरीके से ग्रीस करेंगे। मैं आज इसे ओवन में बनाऊंगी 220 डिग्री सेल्सियस पे, फॉर ओनली 3 मिनट्स में ये बेक हो जाएगी। तो ये इजीली अवेलेबल होता है अमेज़न पे, मैं आपको इसका लिंक भी दे दूंगी। तो इस तरीके से पेपर्स हम इसमें नीचे लगाएंगे एंड वी विल ऐड बैटर इनटू इट। तो हम सारे कपकेक्स के बैटर इस तरह से स्पून से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये थोड़ा थिक होता है तो स्पून से एक एक करके स्पून, और इसे हाफ ही आपको भरना है फ्रेंड्स, क्योंकि जब हम इसे बेक करते हैं तो ये ऊपर राइज होता है, तो अगर आप ज़्यादा भर देंगे तो ये बाहर निकलेगा। तो इनको कपकेक्स को हमेशा आधा ही भरें। हम ऐड कर लेंगे इसके अंदर हमारा स्प्रिंकल वाला बैटर। सारे कपकेक्स बहुत ही ज़्यादा यमी और स्पॉन्जी बनेंगे और बहुत ही डिलीशियस लग रहे हैं देखने में भी, बहुत ही टेस्टी बनेंगे फ्रेंड्स। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल द सिबलिंग्स किचन को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ उसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। हम ऐसी इनोवेटिव रेसिपीज़ के साथ हमेशा ही आते रहते हैं। ये मैं ऐड कर दूंगी इसके अंदर रेड वेलवेट वाला। इस तरीके से स्पून से हम सारे बैटर डाल देंगे इसके अंदर। फ्रेंड्स आपके पास अगर आइसक्रीम वाला स्कूप का होता है तो उससे भी एक एक स्कूप आप डाल सकते हैं। अब ये ऊपर से थोड़ी सी सिल्वर बॉल से मैं डेकोरेट करूंगी। उसमें मैंने चॉको चिप्स डाले थे, अब ये हम डालेंगे कॉफ़ी वाला। देन वी विल ऐड जैम्स 1। ऊपर से थोड़ी सी जैम्स लगा देंगे। फ्रेंड्स आप इतनी टेस्टी कपकेक्स बनते हैं, आप इसे किसी भी पार्टी में सर्व कर सकते हैं। कभी भी कोई भी किड्स पार्टी हो, बर्थडे पार्टी हो, दैट विल बी अ परफेक्ट 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 डेजर्ट फॉर एनी ओकेजन। किसी भी किटी पार्टी में आप इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही क्विकली ये प्रिपेयर हो जाते हैं, सिर्फ 10 मिनट्स का इसका प्रिपरेशन टाइम है। ओनली एक बेस आपको बनाना है और 7 टाइप्स ऑफ कपकेक्स आर रेडी फॉर यू। एक ड्राई फ्रूट कपकेक और है, तो इस तरीके से 7 कपकेक्स एकदम रेडी हो जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स 3 मिनट बाद कितने टेस्टी से हमारे कपकेक्स बनके रेडी हुए हैं। सारे कपकेक्स बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी हैं एंड दे आर लुकिंग सो डिलीशियस एंड यमी, इजंट इट। आ रहा है ना मुंह में आपके पानी। तो आप भी ये रेसिपी को ज़रूर बना के एक बार ट्राई करें और अपनी फैमिली को और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर हर एक कोई भी ओकेजन में आप इसे सर्व करें। और मेरे चैनल द सिबलिंग्स किचन को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको ये रेसिपी कैसी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। और अगर आप और भी कोई रेसिपीज़ मुझसे जानना चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।